एक्चुअली मैम अभी मेरी शादी नहीं हुई है और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें शादी करनी कब चाहिए, उन्हें शादी किससे करनी चाहिए, शादी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपका सवाल बहुत शानदार है, इसका जवाब मैं देती हूँ। बहुत डीपली इसको सुनिएगा। सबसे पहले ये जानिए कि शादी करनी क्यों चाहिए, शादी का मकसद क्या है। पहले हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ सारे बच्चों को डिटेल में हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाई जाती थी। आज के टाइम में शिक्षा की प्रणाली बदलने की वजह से लोगों को जो इंटेलेक्चुअल जो नॉलेज है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ज़ीरो हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि शादी का मकसद क्या होता है उसे जानिए। शादी हमें किस लिए करनी चाहिए? हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है, अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। तो शादी जिम्मेदारी के साथ की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि मेरा मन है, इसलिए नहीं की जाती कि मुझे वो पसंद है मैं तो उसी से करूँगा। जब आप शादी करने के लिए जाता है, आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ये देखता है कि लड़की बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, लड़का हैंडसम होना चाहिए, खूब कमाऊ होना चाहिए। आप गलत चीज़ों को अपनी लाइफ में इस तरीके से इन कर चुके हैं कि आप टॉपिक से ही भटक गए हैं, मकसद ही नहीं रहा शादी का। शादी का मकसद है कि समाज के प्रति भी आपको जिम्मेदारी निभानी है, अपने परिवार के प्रति भी आपको जिम्मेदारी निभानी है और खुद के प्रति भी जिम्मेदारी निभानी है। एक ऐसा मैच्योर पर्सन जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से सेटल कर सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार की इज्जत करना जानता है, वो संस्कारों से परिपूर्ण है। विवाह करते टाइम लड़का और लड़की दोनों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसकी लड़के की कितनी वेल्थ है और लड़की की कितनी खूबसूरती है।